सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस एंड फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनोवेट क्रीम के बारे में। सो दोस्तों, ये जानेंगे कि इस इनोवेट क्रीम के यूज़ क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके प्राइस क्या होते हैं और ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट होता है, यानी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें पाइल्स जैसे डिजीज़ होने लगते हैं या फिर गैस हमारे मल द्वार में जलन होता है, वहाँ पे स्किचिंग महसूस होता है। सो दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। सो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ मैं अक्सर लेकर आते रहता हूँ। तो लेट्स वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों इनोवेट क्रीम के बारे में, तो यह एक एंटी हिमोरिएट क्रीम होती है। और इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज जो है, यदि आपको पाइल्स होती हैं, पाइल्स के शुरुआती सिम्टम्स ही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। और दोस्तों, जैसे कि आपके मल द्वार में खुजली महसूस होता है, वहाँ पर स्किचिंग जैसा होता है, जलन महसूस होती है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि गैस आपको मल द्वार से खून आता है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी गैस प्रॉपरली यदि आपके मल द्वार में पाइल्स वगैरह हैं या फिर स्किचिंग होते हैं या फिर वहाँ पे जलन होता है या फिर नॉर्मली ब्लड जैसा आता है आपको पखाना करते समय, उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हमारे मल द्वार में जो पाइल्स का साइज है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाकर ही ट्रीटमेंट लेना होता है। यदि दोस्तों हम बात करें इनोवेट क्रीम के साल्ट के बारे में, तो इसमें बेक्लोमेथासोन मिला होता है, लीडोकैन मिला होता है और फेनिलेप्रिन भी मिला होता है। बेक्लोमेथासोन क्या करता है कि यदि आपके जो है मल द्वार में इंफ्लामेशन हो गया है या फिर यूँ कहें कि वहाँ नॉर्मली घाव जैसा हो गया है या फिर नॉर्मली पाइल्स हैं, तो बेक्लोमेथासोन जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्क करता है और आपके घाव या फिर इंफ्लामेशन को जो है काफ़ी जल्दी रिलीफ देता है। और दोस्तों, लीडोकैन की बात करें तो लीडोकैन क्या करता है कि यदि आपके अनुमार्ग में जलन महसूस होता है तो उस जलन को लीडोकैन कम कर देता है। और दोस्तों, फेनिलेप्रिन की बात करें तो यदि आपके गुदामार्ग में स्किचिंग होती है, वहाँ पर खुजली जैसा महसूस होता है, तो फेनिलेप्रिन प्रॉपरली आपकी स्किचिंग को जो है दूर कर देता है। यानी दोस्तों, इसमें तीन तीन कंपोजिशंस होते हैं जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। बात करें दोस्तों कुछ लोगों के डाउट और सवाल के बारे में, तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं क्या इसे प्रेग्नेंट लेडी यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूँ इसका यूज़ जो है प्रेग्नेंट लेडी कर सकते हैं, बट यदि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर की देख रेख पर ले रही हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। सो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमें ज्वाइन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।